देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। देश के प्रधानमंत्री भले ही स्वच्छता को लेकर गंभीर दिख रहे हों और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर खुद भी झाड़ू लगाकर पूरे देश को स्वच्छता का संदेश देने में लगे हों, लेकिन सिद्धार्थनगर में ऐसे भी गांव आपको देखने को मिलेंगे जहां नालियों में गंदगी भरी हो और नाली का गंदा पानी सड़कों पर तैर रहा है। इस तरह लोगों को परेशानियों का सामना करना लाजमी है। मामला सिद्धार्थनगर के विकास खंड जोगिया अंतर्गत भवनी बाजार का है, जहां सड़क किनारे बनी दोनों तरफ तो नाली है, लेकिन नालियां गंदे पानी से भरी हुई हैं और ऐसे में नालियों से निकलकर गंदा पानी सड़कों पर तैर रहा है, जो देखने पर पूरा तालाब नजर आ रहा है। देखिए, इसमें जिम्मेदार जो है ग्राम प्रधान है, क्योंकि उनको अगर सदस्य बनाया गया, मुखिया बनाया गया गांव का, तो उनको देखना चाहिए कि गांव में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अच्छा बुरा क्या हो रहा है, सड़क कहाँ टूट रही है, नालियाँ कहाँ जाम है। वो तो सबसे बड़ी चीज पैसे के उस पे जीते हैं, उसके बाद में वो मुंबई रहते हैं, अभी आए हैं, अभी ईद मिलादुन्नबी चल रहा था, उसमें वो बिजी थे, वो इसी चौराहे पे आते हैं, दिन भर उनका यही कटता है, उनको भी दिखता है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है सर जी यहाँ पे, बहुत ज्यादा। देख लीजिए, वहाँ पे ट्रक अभी आगे आपके सामने वहाँ पे धंसा हुआ है, ट्रक ही धस गया पूरा रोड पे। अभी जब 2-3 महीने पहले ये सड़क बनाई है और अभी से ट्रक धंस गया। आपका नाम क्या और गाँव का क्या नाम? मेरा नाम अर्जुन शर्मा है और मैं गाँव का यही गाँव का रहने वाला हूँ। गाँव का नाम है भवनी बाजार। तो इन लोगों को व्यवस्था दी गई है कि अगर वहाँ सफाई कर्मियों की संख्या कम है, तो 14वां वित्त का जो धनराशि है, साल भर में जो कार्योजना बनाए उसमें साल भर का एक मोटी मोटा डाल लें, उसमें सफाई पे जो है कि समय समय पे 3-4 महीने पे ट्रैक्टर ट्राली या JCB लगा करके अच्छे से सफाई करा सकें। अगर बात सफाई कर्मी की जाए तो जनाब महीने में 2 बार आकर कोरम पूरा कर चले जाते हैं और अब लोगों को परेशानी का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि ना तो कोई सफाई कर्मी समय से आते हैं और ना तो प्रधान इस बारे में कोई कदम उठा रहा है। जबकि अधिकारी का कहना है कि जहां सफाई कर्मियों की कमी है, वहां की सफाई ग्राम प्रधान राज्य वित्त से सरकारी मद से धन खर्च कर सफाई करा सकता है, फिर वे ग्राम प्रधान सफाई के प्रति ध्यान क्यों नहीं दे रहे? यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता संजीव श्रीवास्तव की। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।